दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऑटो की सवारी पर विवाद उत्पन्न हो गया। सुरक्षा कारणों में ऑटो में बैठकर जाने में पुलिस ने रोका तो उन्होंने लिखित में बयान दिया कि इस दौरान कुछ भी होता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। वह अहमदाबाद में एक ऑटो चला के घर भोजन करने जा रहे थे। राज्य की यात्रा पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री टाउन हॉल के कार्यक्रम के दौरान विक्रम दंतनी ने अपने घर भोजन कराने का न्योता दिया। देर शाम जब वह आप नेता गोपाल इटालिया इशुधन गढ़वी सहित अन्य लोगों के साथ ऑटो के सवार होकर अहमदाबाद के गटलोडिया जाने लगे तो प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वह इस पर विफल गए। कहा कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, आप मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। मैं जानता हूं कि आम आदमी क्या है, ऐसे ही ऑटो में से जाऊंगा, अपनी सुरक्षा राज्य के मंत्रियों को दीजिए। पुलिस नहीं मानी तो केजरीवाल ने लिखकर दिया कि यदि इस दौरान उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके बाद वह ऑटो चालक विक्रम के घर पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के साथ फोटो खिंचवाया। उनके आने जाने के दौरान पुलिस ऑटो के आगे पीछे चलती रही। घाट लोरिया गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का विधानसभा क्षेत्र है। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर, जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ हमें, आपने हमें कैद कर रखा है सिक्योरिटी के लिए। सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं।